उधर राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हमारे साथ हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर ने सेकुलर सिविल कोड की बात कही है, कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है, और जो है तो राज्य सरकारों पे छोड़ है, राज्य सरकार कौन, राज्य सरकार क्या लाती है उसके ऊपर। एक राज्य सरकार की उन्होंने पहल कराई थी, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच नीच का कारण बनते हैं, उस कानून को बदलने की जरूरत है। देखिए, कोई भी चीज़ एजेंडा से नहीं चाहिए, तुम्हारा मकसद राजनीतिक मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप फेयर होके सब जनता के रख के कोई काम करते हो तो लोगों को शक नहीं होता, बस जब आप एजेंडा बना करते हो तो लोगों को शक होता। वन नेशन वन इलेक्शन तब तक मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, जब तक जो है जो सदन है उसका टर्म 5 साल तक का स्थायी नहीं रहेगा। बीच में अगर आप सोचो कि भंग करके चुनाव कराएं तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा। बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।